स्वागत है आपका ग्रेट हेल्प की एक और सबसे बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी लगती है हमारी, और इस कोर्स को करने के बाद सैलरी पैकेज हमारा कितना होता है, और हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, बेस्ट कोर्सेस और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं इंडिया में, ऐसी ही कई सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ऑल अबाउट होटल मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए। अगर हम बात करें होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, तो नाम सही जाहिर है कि इसमें हमको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक होटल के बारे में सभी चीजें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। इसमें आपको काउंसलिंग कैसे करना है, कस्टमर को डील कैसे करना है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, कैटरिंग, ऐसी ही कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसको सीखने के बाद आप किसी भी होटल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर आपको केवल थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि लाइफ में आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। इसमें अगर हम कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको खाना पकाना सिखाया जाता है, उस खाने को किस तरीके से सर्व करना है वो सिखाया जाता है, होटल की फाइनेंशियल कंडीशंस को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, अगर होटल लॉस में जा रहा है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है वो सिखाया जाता है, इसी तरीके से फूड सेफ्टी और हाइजीन के बारे में आपको सिखाया जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आपको पार्टी मैनेजमेंट, जब होटल के अंदर कोई पार्टी होती है स्टाफ किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर कोई फॉरेनर आ जाता है तो उससे किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, वो किस कंट्री का है उस कंट्री के हिसाब से किस तरीके से बिहेव करना है, और इसी के अलावा यहाँ पर साथ ही साथ आपको किस तरीके से अपने होटल की मार्केटिंग करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके होटल तक रीच करें, ये काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं इस कोर्स के अंदर। कुछ फेमस कोर्सेज की बात करें अगर हम इस फील्ड में, तो सबसे पहले आता है डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी होटल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल एंड टूरिज्म प्रोग्राम, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल एंड इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल होटल एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट, MBA इन होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ टूरिज्म होटल एंड इवेंट मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी इन टूरिज्म स्पोर्ट एंड होटल मैनेजमेंट, MBA इन इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल होटल एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट। अभी क्वालिफिकेशन की बात करें इन कोर्सेज को करने के लिए आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, तो कम से कम यहाँ पर आपने प्लस टू अगर कर रखा है, 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं इजीली UG लेवल की। और अगर आप PG लेवल के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप उन्हें ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको इंडिया में मिल जाएंगी, और अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का एग्ज़ाम देना होगा और उसे पास करना होगा, उसके बाद आप विदेश में जाकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पर अगर हम बात करें होटल मैनेजमेंट के लिए, तो टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट कुछ इस प्रकार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बेंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन मुंबई, बनारसी दास चंडीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन चंडीगढ़, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी बेंगलोर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, DV पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई। ये इंडिया के कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ अगर हम होटल मैनेजमेंट के कोर्स की अवधि की बात करें कि कितने समय का कोर्स होता है, तो यहाँ पर ये कोर्स का कोई फिक्स समय नहीं है, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ घंटों के भी कोर्सेस मिल जाएंगे, 3 महीने के कोर्स, 6 महीने के कोर्स, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल और 4 साल तक के कोर्स भी आपको मिल जाएंगे, और फीस भी उसी हिसाब से रहती है। अगर हम यहाँ पर एनुअली फीस की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये तक एक नॉर्मल एनुअल फीस रहती है एक कोर्स की।
करियर ऑप्शन की बात करें कि अगर आप एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या बन सकते हैं, तो आप यहाँ पर जनरल मैनेजर बन सकते हैं, फूड मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं। होटल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप तो जो भी आपने कोर्स किया है उस कोर्स के हिसाब से आपको एक पद मिलेगा और उस पद के हिसाब से ही आपकी सैलरी भी होगी। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें उस पद के हिसाब से, तो जैसे कि एक जनरल मैनेजर की सालाना सैलरी लगभग 7 से 14 लाख तक हो सकती है, इवेंट मैनेजर की 3 से 6 लाख तक हो सकती है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर 2 से 5 लाख तक, सेफ 2 से 6 लाख तक और बारटेंडर 1.5 से 4 लाख तक, फूड एंड बेवरेज मैनेजर 3 से 6 लाख तक, एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर 4 से 9 लाख। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है और आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।